लोगों ने सपोर्ट नहीं, वो बड़ा बड़ा लड़का बहुत अच्छा है, वो मेहंदी लड़का है, उसकी स्टोरी भी ऐसी, उसके पापा सुरेश रैना ने रिंकू सिंह को लेकर कही बड़ी बात, कहा रिंकू जैसा बल्लेबाज आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा, इंडिया को जिसका इंतजार था मिल गया। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह लगातार छाए जा रहे थे, हर एक मुकाबले के बाद रिंकू की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिंकू भारतीय क्रिकेट का सुनहरा कल है। आने वाले समय में रिंकू सिंह कई बड़े बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वह जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनकी फैन बनती जा रही है। इस कड़ी में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने रिंकू सिंह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रैना ने कहा कि भारतीय टीम को जिसका इंतजार था वह मिल गया। ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत के बाद सुर्खियों में है रिंकू और उन्हें पूरे भारत से बहुत प्यार मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में रिंकू सिंह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सुरेश रैना ने न्यूज 24 से बातचीत में रिंकू सिंह पर बड़ा बयान दिया है। रैना ने कहा कि रिंकू जिस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है, इसमें कोई आशंका नहीं है कि वह भविष्य में भारत के काफी बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। जब वह उत्तर प्रदेश के लिए खेलता था तब भी वह इतना ही कमाल का क्रिकेट दिखाता था। रैना ने कहा कि अलीगढ़ का लड़का आज पूरे यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह काफी निडर होकर खेलता है। अगर वह अपनी पारी का पहला गेंद भी खेल रहा है तो भी उसके पास क्षमता है कि वह बड़े शॉट लगा सके। सुरेश रैना ने रिंकू को लेकर आगे कहा कि भारतीय टीम को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत थी जो तूफानी अंदाज में खेल सके। मुझे लगता है कि रिंकू सिंह वह खिलाड़ी हैं जो बाएं हाथ के बल्लेबाजी की कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। रिंकू को BCCI ने भारत के मुख्य टीम में शामिल भी कर लिया है। रिंकू को BCCI ने साउथ अफ्रीका दौरे पर भी सिलेक्ट कर लिया है। रिंकू काफी मेहनती खिलाड़ी भी हैं, उसके पास क्षमता है कि वह टीम में मिली जिम्मेदारी को निभा सके। बता दें कि रिंकू के बल्ले से सभी मैचों में बेहतर योगदान आ रहा है। रिंकू सिंह आने वाले समय में भारतीय टीम के नए युवराज सिंह बनेंगे और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्या आप सुरेश रैना की इन सभी बातों से सहमत हैं और आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह की टीम इंडिया में जगह पक्की होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।